हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज केशल में। 69,000 भर्ती कोर्ट अपडेट, 69,000 भर्ती से जुड़े प्रमुख कोर्ट की सुनवाइयों की अपडेट इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अल्टीग्रेट हिंदी और सोशल रिजल्ट संबंधित आज अंतिम सुनवाई विशेषता है और माननीय न्यायालय में जो भी एसटीएफ की जाँच रिपोर्ट आपके वाराणसी में एसटीएफ लेकर आई है वो सबमिट हो जाएगी यहाँ पर आयोग के द्वारा, और फिर ये भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट निकाल कर आगे सुचारू ढंग से आगे बढ़ेगी। उत्तर कुंजी मुद्दा दूर लगाया गया है। 31 के यानी 31,661 शुरू होने से पहले न्यायालय में दाखिल है। 29 को सुनवाई संभवतः। सरकार का रुख इस पर क्या होगा, इस पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इसके अलावा विभाग से जुड़ी शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख अपडेट को भी कवर करेंगे और आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है उनको क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात 69,000 भर्ती से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक भर्ती रोकने के लिए याचिका। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती विवाद के बीच 31,661 पदों को भरने के राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बीडीसी छात्रों ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था और उस एक हफ्ते का आज 5वां दिन है। अब ये दिन तो हम जिस दिन से इन्होंने अधिसूचना प्रेस रिलीज की है उस दिन से हम लोग काउंट डाउन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार आज विशेष दिन कुछ बड़ी अपडेट निकाल सकती है, काउंसलिंग संबंधित अपडेट इम्पॉर्टेंट निकाल सकती है, नियुक्ति पत्र संबंधित अपडेट निकाल सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो संशय बना हुआ है अभ्यर्थियों के बीच में सेकेंड काउंसलिंग का, उस पर क्या निर्णय आता है और जो लिस्ट चाहे फर्स्ट लिस्ट हो चाहे सेकंड लिस्ट हो वो 67,867 पर ही बनेगी, इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। नए अभ्यर्थी कहीं और से निकाल के लेकर नहीं आएगी, जो हैं वो सबसे स्पेशल हैं, सबसे फील्डर्ड अभ्यर्थी हैं और उन्हीं में से चयनित होंगे, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान मत होइएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऑर्डर संबंधित, एक विशेष बात यह है कि जो आपकी सुनवाई हुई थी 22 तारीख की जो सुनवाई है उसमें, माफ़ करिएगा, जो 12 तारीख की सुनवाई हुई थी उसमें ललित साहब ने एकदम स्पष्ट तरीके से बोला था कि जब तक 69,000 भर्ती का ऑर्डर रिलीज नहीं हो जाता है तब तक हम इस संबंधित कुछ कोई भी कह सकते हैं कि सुनवाई कोई केस टेकअप नहीं करेंगे और उसकी नेक्स्ट डेट लगाई थी, है ना, खारिज नहीं किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उस केस की टेंटिवली डेट जानते हैं कितनी दिखाई जा रही है, वो नवंबर में दिखाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नवंबर में। दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो केस था शिवम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 69,000 शिक्षक भर्ती जजमेंट अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर संभवतः 20 नवंबर के पहले आ जाएगा क्योंकि जिस याचिका को ललित साहब ने बोला था कि कट ऑफ मैटर के जजमेंट देने के बाद सुनवाई करेंगे उस याचिका की सुनवाई की तिथि 20 नवंबर टेंटेटिवली शो हो रही है। बाकी उम्मीद यही है कि ऑर्डर 20 नवंबर के पहले आ जाएगा। लेकिन इस बीच में मैं आप लोगों को बताऊं कि इस केस की एक और सुनवाई लगी थी 14 के आसपास में, है ना, कि इससे पहले ही हम लोगों को ऑर्डर देखने को मिल सकता है संभवतः सितंबर में, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और टेंटेटिवली डेट हटा दी गई और इस डेट को अब 20 नवंबर शो हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर क्या कयास लगाया जाए, कोई कयास नहीं लगा सकता कि क्या है संभावना, क्या किस चीज़ की। लेकिन 69,000 भर्ती की ऑर्डर की संभावना जो है वो तब बढ़ जाएगी जब 69,000 भर्ती में से 31 के सीटों पर जो सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है उस पर आज कुछ बड़ी बड़ी आपको अपडेट देखने को मिल जाए, जैसे काउंसलिंग अपडेट देखने को मिल जाए, नियुक्ति पत्र वितरण दिवस देखने को मिल जाए और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहली चयनित लिस्ट और उसके बाद प्रतीक्षारत लिस्ट, जिस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रतीक्षारत लिस्ट भी जारी हो सकती है, तो उसी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ऑर्डर आपकी आसपास में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 69,000 भर्ती में कल उत्तर कुंजी मामला आप सभी को पता है जिसकी लंबी डेट 6 अक्टूबर लगा दी गई। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल अपील 154 ऑफ 2020 अपीलेंट थे एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी रेस्पॉन्डेंट ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स, ऑनरेबल पंकज मित्तल और ऑनरेबल
मिसेस सरोज यादव जी, इन्होंने लिस्ट कर दिया इस केस को 6 अक्टूबर 2020 को, और ये 21 नौ 2020 का ऑर्डर डेटेड है। तो ये आप लोगों के लिए उत्तर कुंजी मामले पर लंबी डेट है 6 अक्टूबर। अब इसी के बीच में जो जो चीज़ होना है वो संभवतः सारी चीज़ें हो जाएंगी। उत्तराचार भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं अपनी एकजुटता को कायम रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि 67-8 67 से सिंगल कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। ये लिस्ट अपने आप में अटल है और इसी के हिसाब से दो पार्ट में डिवीज़न होगा, जैसा कि मैंने मॉर्निंग वीडियो में बोला है, कई बार आप लोगों की बात कही है। और बस भर्ती दो भागों में होगी। अक्टूबर में ऑर्डर आने पर सब विद्यालय में होंगे, सरकार के पक्ष में ही ऑर्डर आएगा, तभी सरकार भर्ती को आगे कर रही है, ये एक संभावना है। और उम्मीद करूँगा कि इसी संभावना के अनुरूप आगे आप सभी प्राथमिक में चयनित हों। अब बात करते हैं आईटी ग्रेड की, तो सोशल और हिंदी रिजल्ट को लेकर आज अंतिम सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में कोर्ट नंबर 35 के आपके सीरियल नंबर 29 में होनी है। अब देखना ये है कि आज आयोग रिजल्ट के लिए हलफनामा लगाता है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये आपकी 23 सितंबर देखते सकते हैं, फर्स्ट हियरिंग हुई थी 18 जून 2020 को, फिर नेक्स्ट हियरिंग आपकी 23 सितंबर 2020 को है, आपकी सीरियल नंबर 29 पे, कोड नंबर 35 में। तो इससे संबंधित जो अपडेट होगी आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है कि सोशल और हिंदी वालों का भी जल्द से जल्द कल्याण हो, ताकि 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों को यहाँ से भी रिलीफ कुछ मिले और सेकंड लिस्ट के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर चयनित हो सके। अब बात करते हैं कुछ भर्तियों की, तो राजस्व विभाग में 82-49 भर्तियाँ होंगी। इन पदों पर होगी भर्ती लेखपाल के 7,019, राजस्व निरीक्षक के 1,073, वरिष्ठ सहायक के 53, कनिष्ठ सहायक के 104 पदों पर होनी है भर्ती। और उत्तर प्रदेश UP SSC ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 82-49 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए इसमें 10% का आरक्षण अब दिया जाएगा, यानी कि अब जितने भी भर्ती आएंगे उत्तर प्रदेश में, फरवरी से ही 10% आरक्षण का प्रावधान शुरू हो चुका है। तो अब इसको लेकर आपको कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि जो भर्तियां पहले से चल रही है उसमें आपको कोर्ट संबंधित तमाम प्रावधान करने पड़ेंगे, लेकिन अब नई भर्ती के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया कि 6 महीने में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब ये अच्छी बात है कि इस पर अब जोर देना चाहिए, और युवा जब भी अपना ज्ञापन दें रोजगार संबंधित भर्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें एकदम स्पष्ट कर दें कि जिस दिन से आपकी डेट अनाउंस हो कि परीक्षा होगी, तो उसका रिजल्ट, उत्तर कुंजी, काउंसलिंग और आपकी नियुक्ति, ये कब कब डेटों पर होगी, ताकि उसी अनुरूप विभाग भी आगे बढ़ सके और उनके सक्रियता के साथ उनके अधिकारी भी इस पर काम कर सकें। तो 6 महीने में नियुक्ति पत्र की बात की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटे निर्धारित होंगे और इसमें इससे संबंधित विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, इससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा न हो पाए। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को जो आपके योग्य होंगे उनको नौकरी दी जा सकती है। और भर्तियों को लेकर UP SSC तेज़ी दिखाएगा, और जिन विभागों से पहले प्रस्ताव आए थे उनका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आयोग पदवार भर्ती संबंधित विज्ञापन निकालने पर विचार कर रहा है और इससे भर्ती प्रक्रिया जल्द जल्द पूर्ण होगी। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि कौन कौन से पदों पर 82-49 जो भर्ती होगी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के पदों पर जल्द आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था आपका ये GD कांस्टेबल वाला, अब असमंजस दूर हो चुका है। SSC ही करेगा कांस्टेबल GD भर्ती 1 अक्टूबर से 31 अगस्त 2021 के बीच होने वाली 20 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। पूर्व में विज्ञापित 14 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम है। आपके CHSL जो Tier 1 है 2019 का 12 से 26 अक्टूबर के बीच में, जूनियर इंजीनियर परीक्षा, CGL Tier 2, सेलेक्शन पोस्ट फेज, स्टेनोग्राफर, ये तमाम जितने भी भर्ती परीक्षाएँ हैं सबका शेड्यूल जारी कर दिया गया। और उम्मीद है कि इसी अनुरूप भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी और तमाम जो युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं उस पर भी विभाग भी अब सक्रियता के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये तमाम मुद्दे रहे हैं और में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और 31 के 69,000 भर्ती का जो दो पार्ट में डिवीज़न हो रहा है, इसमें
फूट डालो वाले कोई काम ना होगा। इसी उम्मीद के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और फर्स्ट फेज में 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद तत्परता से 37,339 पदों को भी भरने के लिए सरकार इस पर भी तत्परता दिखाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर होगा और युवाओं में एक बेहतर संदेश जाएगा सरकार के प्रति। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, उम्मीद है आज आपको कुछ बड़े बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं लगातार। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।